स्वागत है कॉमर्स किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बेसन भुर्जी। घर पे सब्जी ना हो तो ना हो परेशान, बनाइए बेसन भुर्जी। डिफरेंट सी सब्जी, मार्केट में बारिश के दिनों में कभी क्वारंटाइन की वजह से सब्जियां ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे नई नई सब्जियां बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हमें बेसन भुर्जी बनाने के लिए चाहिए सिर्फ मात्र एक चम्मच बेसन, जिससे हमें तीन लोगों की बेसन भुर्जी बन जाएगी। पहले मैंने एक चम्मच बेसन डाला, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और स्वाद अनुसार हमें मिर्च डालना है जितना आप तीखा पसंद करते हैं, और एक पिंच के बराबर हम खाने वाला इसमें सोडा डाल देंगे। इसमें पानी डाल के इसे हमने पकौड़े का घोल बनाना है, वैसे ही हमें एक लिक्विड सा इसका घोल बना देना है। ये देखिए मेरा एक अच्छा सा घोल तैयार हो गया, ना गाढ़ा है ना पतला है। इसे भुर्जी बनाते हैं। देखिए मैंने एक पैन रखा है, कढ़ाई भी रख सकते हैं लेकिन पैन में बहुत अच्छे से बन जाती है। मैंने एक पैन रखा है जिसमें मैं दो चम्मच तेल डाल दूंगी। ये मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, उसमें मैंने एक बारीक प्याज काट के रखा था। ये तीन लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है। आप कम ज़्यादा क्वान्टिटी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वान्टिटी बढ़ाइए, यदि कम बनाना है तो क्वान्टिटी कम कर दीजिए। इसे हल्का सा हमें भूनना है, इसे लाल नहीं करना है, इसे कच्चे ही रहने देना है लेकिन हल्का सा इसका मॉइस्चर सूखने तक हमें चलाते रहना है। इससे पहले इसमें गरम मसाला डाल देंगे, हल्का सा लाल मिर्च, काल मिर्च क्योंकि हमने घोल में भी डाल दिया है इसलिए इसमें हम कम डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, हमें थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालना है अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, और अब इन चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इसे हल्का सा मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आप कम ज़्यादा देख लीजिएगा। अब मैंने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे प्याज का मॉइस्चर भी सूख गया और हमारे मसाले भी भून गए, दोनों काम एक साथ हो गया। जब भी हमें मसाले भुने हुए सब्जी बनती है तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े टमाटर, मैंने जैसे देखिए फाइन काट के रखे हैं, और इसमें दो हरी मिर्च भी मैंने काट के रखा है। आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हरी मिर्च भी काट के रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे दो मिनट टमाटर गलने तक के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर प्याज सब अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे कढ़ाई में अच्छे से फैला देना है, हमें एक साथ नहीं करके इसे फैला दिया मैंने। अब जो हमने बेसन का घोल बनाया था आप इस तरह डालिए कि प्याज के पूरे ऊपर एक लेयर लग जाए, आप देख रहे हैं मैं पूरी उस पर लेयर फैला दिया है। ये देखिए मेरे प्याज टमाटर की मैंने लेयर रखी, उसके ऊपर मैंने बेसन की पूरी लेयर फैला दिया। अब हम इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक कम आँच पे छोड़ देंगे ताकि हमारे प्याज का फ्लेवर बेसन के अंदर आ जाए और वो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो चुका है, हमारा बेसन सेट हो चुका है। अब एक चाकू लेंगे और जिसके सहारे से हमें ऐसे कट के निशान लगाने हैं, जैसे हम बर्फी वगैरह काटते हैं छोटे बड़े लगा सकते हैं, लेकिन सेट होने के बाद ही ऐसा करना है, उससे पहले नहीं करना है। अब हम इसे हल्के हाथों से पलटाते जाना है, एक चम्मच के सहारे से जैसे हम सब्जी पलटाते हैं उसी तरह हमें पलटा देना है। आँच को तेज रखना है ताकि जो दूसरी लेयर है बेसन की वो अच्छे से बेक हो जाए। आप देख सकते हैं बेसन तो वैसे ही सेट हो गया है। 5 मिनट के लिए हमें पलटा के और बैक करना है, इसे फिर अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें धनिया डाल देना है, हरा धनिया मैंने धो के रख काट के रखा है, इसे अच्छी क्वांटिटी में डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर चली जाए। अब हमें 5 मिनट खोल के हमें पकाना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है, अब हमें 2 चम्मच से सब्जी को पलटा देना है ताकि वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और हमारी बेसन की जो भुर्जी है वो टूटे भी ना और पीस पीस के तौर पे वो दिखनी चाहिए। हल्के हाथों से इसे पलटाइएगा और आप देखिए हमारी ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। आइए सर्व करते हैं। देखिए मेरी बेसन भुर्जी बन के तैयार हो गई है। यदि आपके पास घर पे सब्जी ना हो तो ना हो ही परेशान, खा के बोर हो गए हैं पनीर भुर्जी और अंडा भुर्जी, तो बनाइए बेसन भुर्जी बहुत कम सामानों में से, बहुत टेस्टी और डिलीशियस। अपने एक्सपीरियंस कॉमर्स के साथ शेयर कीजिए। कॉमर्स किचन को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें।